वेलकम टू डीपीएससी लर्नर्स। तो बात करेंगे आज हम अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड एंड चाइल्डहुड, जो आपकी डीपीएससी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। तो उसका हमने यूनिट वन स्टार्ट की है। यूनिट वन में हमने मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट किया है। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो स्कोप थोड़ा मतलब इतना ही है जितना हमारा मीनिंग था। तो मीनिंग और स्कोप अगर मिलाकर क्वेश्चन आता है तो आपका 2 मार्क्स 5 मार्क्स का आराम से बन जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आप इसमें अपनी लैंग्वेज नहीं लिखोगे, वो भी लिखोगे। बाकी जो है, जो भी टॉपिक्स हैं यूनिट 2 के और 1 के साइमल्टेनियसली कराती रहूँगी, क्योंकि आज सिर्फ ये 2 ही वीडियो डालूंगी, बिकॉज आई हैव द लाइव सेशंस टू, मुझे लाइव सेशंस भी लेने हैं। सो अकॉर्डिंगली कल से थोड़ा प्लान करती हूँ। और इसके अलावा स्टार्ट करते हैं, चलो पहले स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो स्कोप क्या होता है चाइल्ड डेवलपमेंट का? तो जो स्कोप ऑफ मतलब पढ़ने का क्या स्कोप है, चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़कर होगा क्या? सो द स्कोप ऑफ द स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सटेंड्स टू द स्टडी ऑफ द चाइल्ड ओवर डिफरेंट फेजेस ऑफ हिज लाइफ, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स दैट मे इन्फ्लुएंस हिज डेवलपमेंट। क्या होता है कि इसने क्या किया है, खाली तुम चाइल्ड के बारे में ही नहीं पढ़ रहे हो, बल्कि मतलब खाली तुम चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में नहीं पढ़ रहे हो, बल्कि एक्सटेंड हो गई है तुम बच्चे की पूरी लाइफ के बारे में, पूरे डिफरेंट पूरे लाइफ के फेजेस के बारे में पढ़ सकते हो, साथ साथ सारे फैक्टर्स जो भी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बारे में पढ़ सकते हो। तो जो स्टडी है चाइल्ड डेवलपमेंट की, वो फोकस करती है दोनों चीज़ पर, मतलब पॉजिटिव में भी और नेगेटिव, बच्चे की फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव भी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी चाइल्ड डेवलपमेंट फोकस करती है, और एक करेक्टिव मेजर्स देती है, मतलब सुझाव देती है, सजेस्ट करती है, ताकि बच्चा जो है अच्छे से ग्रो करे और एक अच्छे मैनर में ग्रो करे अपने सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जिसमें वो रह रहा है, राइट। सो ये है हमारा स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब कौन कौन से 3 ऐसे एरियाज हैं जो मतलब स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में हेल्पफुल है, मीन्स ज़्यादातर वो चीज़ आप कर सकते हो, ये 3 बहुत अच्छा स्कोप है। वो है स्टडी ऑफ बिहेवियर पैटर्न ऑफ एन एवरेज चाइल्ड। अगर कोई आपकी क्लास में एक एवरेज चाइल्ड है और अगर आपने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा है ना, तो आप अच्छे से उसका पैटर्न, जो उसका बिहेवियर पैटर्न है, अच्छे से स्टडी कर सकते हो अपनी टेक्निक्स और टेक्निक्स लगाकर। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अब आप बच्चे की अगर पूरा एनालाइज करोगे तो आपको बच्चे का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी बहुत अच्छे से पता चल सकता है। दूसरी चीज़ फिजिकल और मेंटल फिटनेस। बच्चों को आप फिजिकल और मेंटली भी फिट रख सकते हो, करवा सकते हो, उनको बोल बोल कर उनका बिहेवियर जान जान के कि वो कैसे हैं और किस तरह से कर पाएंगे काम। तो ये है हमारा पूरा स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ साथ इसमें कोई प्रॉब्लम आए प्लीज़ मेंशन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।